गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज डेट है 29th में निफ्टी देखो एस टू के नीचे ओपन हुआ है। थोड़ा लेफ्ट साइड में देखोगे तो कोई भी नहीं दिख रहा है जो सपोर्ट करेगा, लेकिन एक है ये लेवल देखो, ये लेवल यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके चला गया था। तो थोड़ा मैं राइट साइड में शिफ्ट करूंगा तो देखो यहाँ पे क्या है, 22,800। तो 22,800 के नीचे जब तक मार्केट है पुट का प्लानिंग करूंगा, 22,800 के ऊपर गया तो कॉल का प्लानिंग करूंगा। सिंपल है, ठीक है, अभी से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने का यहाँ पे कुछ फायदा नहीं है। अभी आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मैं देखता हूँ अभी इसका क्या करना है, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट कैंडल डोजी था, उसके बाद ग्रीन था लेकिन फिर से इनसाइडर था। थर्ड में हैमर है उल्टा वाला, लेकिन उसको फॉलोअप नहीं मिला। अभी ग्रीन कैंडल है, लेकिन ये ग्रीन कैंडल कहाँ पे, जो जो लोग फर्स्ट कैंडल के ऊपर बाय करता हूँ नीचे सेल करता हूँ, वो लोग अभी ये कैंडल में घुस गए होंगे ग्रीन की तरफ, मतलब कॉल की तरफ। लेकिन मुझे यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शन दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे अभी पुट में एंट्री कर लिए। डे लो से भी नीचे तक के मेरे टारगेट से, टारगेट का मैंने कुछ फिक्स नहीं किया है, लेकिन स्टॉप लॉस मेरा फिक्स है। अगर S1 के ऊपर मार्केट मुझे दिखा तो मैं स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करूंगा, और डे लो के नीचे जहां तक जाता है जाने दो, टारगेट का थोड़ा बाद में देखेंगे, ठीक है। आसान भाषा में यहां पे मैंने पुट में एंट्री की है, अभी देखते चलो क्या होता है। ओके गाइस, तो ट्रेड मैंने यहाँ पे निकाल दिया स्क्रीन के ऊपर, कहाँ पे बाइंग किया था, कहाँ पे सेलिंग किया था। देखो प्लस मैंने क्वांटिटी आज फिर से नॉर्मल किया, क्योंकि कल मैंने ट्रेडिंग नहीं किया था, कल मैं बाहर ट्रैवल कर रहा था, प्लस कल मार्केट वैसे भी साइडवेज था। ये तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ पोस्ट किया था कि मैं बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा कम्युनिटी पोस्ट भी डेली चेक किया करो, ठीक है। अभी देखते हैं आज के ट्रेड का रीजन, प्लस मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल जो है अपना पब्लिक टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे भी ये मेरा वाला ट्रेड दिया था, तो उसके पीछे के रीजन सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। तो मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ, बिलो पिवोट, बिलो S1 आसपास, S2 के आसपास ओपन हुआ, ठीक है। फर्स्ट कैंडल को क्लोज होने दो। फर्स्ट कैंडल क्या है, क्या बोलते हैं इसे, आप लोगों को पता है, थोड़ा बहुत सेलिंग टाइप का है, लेकिन इसे हम डोजी बोलेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ऊपर भी कंफ्यूजन है नीचे भी कंफ्यूजन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे एक लेवल्स ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि कंफ्यूजिंग कैंडल है, उसके अंदर ट्रेड लेना मतलब इनसाइडर कैंडल में ट्रेड लेने के बराबर है, ठीक है। तो सेकंड कैंडल इनसाइडर था, मैंने कुछ नहीं किया, बाद में अगेन इनसाइडर, बाद में ये ग्रीन कैंडल था, ये ग्रीन कैंडल ऐसा निकला जिसने क्या किया है, फर्स्ट कैंडल के हाई को क्रॉस किया। तो आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे मेंबर्स का ऐसा होता है, ये लॉजिक होता है कि इसके ऊपर बाय करो, इसके नीचे सेल करो, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉमन स्ट्रैटेजी है, तो यहाँ पे वो सब स्ट्रैटेजी सब लोगों के ट्रिगर हो गए, लेकिन इसके बाद अगेन क्या हुआ, सेल अप वाला कैंडल आया, सेल अप वाला कैंडल मतलब यहाँ पे रिजेक्शन मिला, S2 को रिजेक्शन था, प्लस फर्स्ट कैंडल के हाई को रिजेक्शन था। तो कैंडल जैसे चालू था मैंने वहां पे पुट में एंट्री की, ठीक है, स्टॉप लॉसेस में लगाता नहीं, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर आ जाता तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे चला जाता, ठीक है। ये रहा अपना एंट्री का भी। उसके बाद क्या है, मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा था, नीचे जा रहा था, नीचे जा रहा था, 1, 2, 3, 4 बैक टू बैक यहाँ पे रेड कैंडल्स बनना चालू हो गए, ठीक है। इसलिए बैक टू बैक रेड कैंडल्स देख के मैंने यहाँ पे ये लोकेशन के आसपास एग्जिट किया। ये लोकेशन के आसपास एग्जिट क्यों किया, इसका रीजन मैंने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे आपको बताया कि यहाँ पे 2731 का एक चिंटू मिंटू ये सपोर्ट जोन है। अभी ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, अभी ये थोड़े टाइम के बाद आप लोगों को भी पता चलेगा, लेकिन जो था मैंने जितना रिस्क लिया था उसके अकॉर्डिंग मुझे रिजल्ट्स मिल गए, इसलिए मैं यहाँ से निकल गया। अभी ये 22731 के नीचे ट्रेड करने लगा, हो सकता है कि और यहाँ से नीचे 50 पॉइंट ये नीचे जा सकता है, क्योंकि 50 पॉइंट नीचे और सपोर्ट है, ठीक है। तो ठीक है, आज के ट्रेड में इतने ज़्यादा कुछ है नहीं, एकदम सिंपल था, पिवोट के नीचे था, S1 S2 के नीचे था, प्लस यहाँ पे अगर आप देखोगे कॉल का चार्ट, देखो कॉल का चार्ट क्या है, पिवोट के नीचे, 20 MA के नीचे, S1 के नीचे, S2 के नीचे, सब चीज़ों के नीचे, इसलिए यहाँ पे मैंने कुछ आप लोगों को प्लान दिया नहीं। एक प्लान दिया था मैंने कि अगर ये फर्स्ट ट्रेड आपको दिख रहा है ऊपर वाला S1 के ऊपर अगर कॉल गया तो वहां पे बैकअप प्लान मैंने बताया था, लेकिन वो बैकअप प्लान एक्टिव ही नहीं हुआ। ऊपर वाला चार्ट देखो क्या है, पुट वाला चार्ट है, यहाँ पे मैंने आप लोगों को ट्रेड दिया था, लेवल दिया था कि R2 और R3 के ऊपर ब्रेकआउट्स फाइंड आउट करो, उसके अकॉर्डिंग आई गेस 20-30 पॉइंट इजिली मिल गए होंगे, नहीं मिले तो अभी इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, नहीं मिले तो ये है, बुक ले लो, अमेजोन पे जाके बुक ले लो, मेरा इसमें कुछ कमी मिशन नहीं है, मैं जो बुक यूज़ करता हूँ वही आप लोगों को बता रहा हूँ। ये बुक अमेजोन पे 200-200 रुपए के आसपास कुछ तो मिलेगा, वहाँ से जाके आप लोगों को पिवोट बॉस सीखना है तो पिवोट बॉस आप लोग सीख सकते हो, ठीक है। अभी इससे ज़्यादा मेरे पास समझाने के लिए कुछ है नहीं, अभी हम लोग कल मिलेंगे, यहाँ तक गलती से वीडियो देखा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ आज मैंने जो हिंट दिया था उसका आपको कुछ फायदा हुआ कि नहीं, ठीक है, बाय बाय।